इस लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीख रहे हैं। देखो क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो होते हैं, कोई भी मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, वुड के पास भी होगा, ग्लास के पास भी होगा, लेकिन मेटल्स के पास होंगे बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करते हैं किसी खास डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। मतलब एक तरीके से ये फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड के बारे में, कि ऐसा नहीं है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब तक हम कुछ करें नहीं तब तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिकली मूविंग कंडीशन में होते हैं ड्यू टू हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, 10^5 m/s की स्पीड से घूम रहे होते हैं, 1,00,000 m/s की स्पीड से। लेकिन फिर भी जब तक किसी मेटल को आप सर्किट बोर्ड में नहीं लगाओगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, तब तक आपको करंट नहीं मिलती ये घूम रहे होते हैं तब भी, क्योंकि वो जो मोशन होता है थर्मल वेलोसिटी का वो जीरो होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस मोशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलना चालू हो जाती है। तो वो होता है इनका एक किसी एक डायरेक्शन में मोशन, या किसी एक डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करने की वजह से जो मोशन होता है, वही उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। यहां हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये समझो आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी किसी एक टेम्परेचर पर, जैसे मान लो एट रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, इनके पास एक हीट एनर्जी थी जिसकी वजह से इनके पास एक थर्मल वेलोसिटी थी, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल वेलोसिटी, और वो एकदम रैंडम डायरेक्शन में थी, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ही आपने यहां पर इनको डायरेक्शन देने के लिए फोर्स लगाया, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर हाथ डाल के तो इलेक्ट्रॉन को चलाओगे नहीं आप। आपने क्या करा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करी ताकि इन पर लगे एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके लिए आपने 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसलिए जनरेट हुआ, यहाँ पर बना प्लस और यहाँ पर बना माइनस। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये सब के सब पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप बैटरी ऑन करोगे एकदम से सब के सब सीध में चल के और इधर आने की कोशिश करने लग जाएंगे। मतलब मैं आपको समझाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे चलने लग जाएंगे। जस्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा हम बनाते आए हैं पर ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे ही, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पे जो कि इधर जा रहा था, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो क्या किसी मेटल के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते? नहीं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसे जा रहा होगा, इतने में कोई टकरा के निकल जाएगा। क्यों? उसके पास वो टकरा के जाने की वेलोसिटी कहां से आई? हीट की वजह से। ऑलरेडी जैसे ही आपने ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या आपने थर्मल वेलोसिटी जीरो कर दी? नहीं, वो तो अपना काम कर ही रही है ना। मतलब रैंडम मोशन जो इनके पास था, जो इनका कैरेक्टर था, वो तो इनके पास है ही, बस आप तो कोशिश करके चला रहे हो। मतलब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, वही वाली बात है कि एक बार तो ये टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करेंगे। आप इनको रास्ता दिखा रहे हो कि नहीं इस तरफ चलना है, इतना में कोई धक्का देके निकल जाएगा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये बेचारा ऐसे जा रहा था, इसके नीचे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये टेढ़े मेढ़े ही चलते रहते हैं। मतलब इनका जो पाथ होता है ना, स्ट्रेट नहीं होता, ये कुछ ऐसा होता है कर्व्ड पाथ। अब ये इधर जा रहा था, जाते जाते इधर पीछा आएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे घूमेगा, ये इधर और जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसा चलेगा। ड्रिफ्ट आपने नीड फॉर स्पीड मूवी देखी होगी, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, चलती चलती गाड़ी को एकदम मोड़ोगे तभी तो ड्रिफ्ट होगी, वो आवाज आती है घिसने की, टायर घिसने की। वही चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी होती ही नहीं तो ये ऐसे चलते, लेकिन उस केस में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बोलते, इनको तो नॉर्मल वेलोसिटी बोलते कि सीधे ही तो चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो चलेंगे। लेकिन ऐसे चलना ताजुब वाली बात है कि इतना टेढ़ा मेढ़ा होने के बाद भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलरेडी इनके पास एक थर्मल वेलोसिटी थी, उस थर्मल वेलोसिटी के साथ जैसे ही आपने ये पोटेंशियल लगाया एक और वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी में हमने देखा था कि एक जो नॉर्मल, कहाँ गया मिटाने का, थर्मल वेलोसिटी में हमने देखा था कि टोटल जो वेलोसिटी निकल के आती है थर्मल वेलोसिटी, वो जीरो निकल के आती है क्योंकि वो रैंडम मोशन था। लेकिन ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोशन है, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे आप इसको देखो, ये किधर जा रहा होगा, जैसे आपने पोटेंशियल लगाया राइट ही जा रहा होगा, लेकिन डीएक्सेलरेट होते हुए जा रहा होगा, थोड़ी देर में ये इधर आएगा, ये ऑलरेडी इधर जा रहा होगा, अब ये नीचे जा रहा था,
देखो ये नीचे जा रहा था फिर ये इधर की तरफ हुआ, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ड्यूरिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ड्यूरिंग सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ चल रहे होते हैं, नहीं सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब उनका ओरिएंटेशन होता है पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, ना कि सब चल ही रहे होते हैं ऑलरेडी। यहां पर जो हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से दिखाया जाता है, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस पर फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको हम अच्छे से डेरिवेशन करेंगे, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, टेढ़े मेढ़े होंगे, टकराएंगे ये, तो जो इसको सीधे में चलना होगा वो और ज्यादा टकराने लग जाएंगे क्योंकि इनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। आप देख रहे हो टेम्परेचर से दो वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, एक तो थर्मल वेलोसिटी को और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी का इलेक्ट्रिसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कम कर रहे हो, रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो। तो जबकि आप अगर इसको बढ़ाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्मल एनर्जी पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, थर्मल थर्मल स्पीड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ही स्पीड चेंज कर सकते हो लेकिन टेम्परेचर से आप दोनों को चेंज कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं मैच वाले, मैच मेकिंग वाले, तो वहां ये चीजें काम आती है। तो हमने देखा कि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव होना चालू किया और इस वजह से उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। तो इनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड पाथ होता है ऐसा, और इसमें भी कंटिन्यूअस कॉलिजन में होते हैं लेकिन फिर भी इनका कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है और इसलिए जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है एवरेज, वो नॉट इक्वल टू जीरो आती है, जीरो नहीं होती। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, नॉट इक्वल टू जीरो है, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी निकल के जो आती है वो जीरो होती है, लेकिन बीच में ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट जो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी जीरो नहीं है और इंडिविजुअल की भी जीरो नहीं है। और क्या बोल रहा था मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद टोटल भी जीरो नहीं है और इंडिविजुअल भी जीरो नहीं है, यस, लेकिन बीच में थर्मल वेलोसिटी अपना रोल प्ले कर रही है और वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो कहां तो थर्मल वेलोसिटी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की निकल के आई थी 10^5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर पे, लेकिन ये जो निकल के आएगी ये बहुत ही कम आएगी, इसका ऑर्डर होता है 10^4 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे बहुत कम तो नहीं है, 10 टाइम्स ही है, माइनस 10^-4 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा ये थर्मल वेलोसिटी कम आती है ड्यू टू इस थर्मल, मैं शायद बार बार मिक्स करके बोल रहा हूँ, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इतनी कम आती है थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, कई जगह मैं कुछ ऊपर नीचे बोल गया हूँ तो भी देख लेना, मैंने सब जगह वीडी और वीटी लिखा है, थर्मल है और ये ड्रिफ्ट है। चलो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में, बाय बाय।